कोरोना वायरस के कहर के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो है हैंड सैनिटाइजर। इसके बिक्री में लेकर ब्लैक मार्केटिंग तक में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इसी डिमांड ने अब हैंड सैनिटाइजर को एक बड़े कारोबार में तब्दील कर दिया है। अब दुनिया भर की बड़ी बड़ी डिस्टिलरीज, पानी पेय उत्पाद बनाने वाली कंपनियां हैंड सैनिटाइजर्स के कारोबार में उतर गई हैं। फ्रांस के लग्जरी गुड्स ग्रुप LVMH ने अस्पतालों में हैंड सैनिटाइजर्स की बढ़ी डिमांड को पूरा करने के लिए अपने परफ्यूम कारखानों में हैंड सैनिटाइजर्स बनाना शुरू कर दिया है। अमेरिकी वोदका ब्रांड ने भी लोगों के सुझाव के बाद ऐसी वोदका बनाना शुरू किया है जो हैंड सैनिटाइजर का भी काम करें और जिसमें 40% की जगह 60% अल्कोहल हो। ब्रुकलिन स्थित न्यूयॉर्क डिस्टिलाइजिंग कंपनी ने हैंड सैनिटाइजर के कारोबार को शुरू किया है, जिसे बढ़ाने के लिए रेस्टोरेंट, बार, लिकर स्टोर में हैंड सैनिटाइजर लगाया गया है। परफ्यूम और डिस्टिलरी के कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि मौजूदा वक्त में केवल कारोबार ही नहीं बल्कि समाज की जरूरतों के हिसाब से भी ये सबसे बड़ी जरूरत है। अब बड़ी FMCG कंपनीज सैनिटाइजर लॉन्च करने की सोच रही है। मेरे विचार में ये बहुत अच्छा कदम है क्योंकि जो अवैध कंपनियां हैं और जो नकली सैनिटाइजर बना रही हैं और कई कंपनियां जो कालाबाजारी कर रही हैं उस पर काफ़ी रोक लगेगी। हम भी सैनिटाइजर लॉन्च करने की सोच रहे हैं क्योंकि इसमें काम आने वाला जो मेन इंग्रेडिएंट है वो हमारे फैक्ट्री में रेडिली अवेलेबल है। हैंड सैनिटाइजर के साथ साथ मास्क और ग्लव्स की बिक्री में भी कोरोना के कोहराम के बीच जोरदार तेजी बढ़ी है। लेकिन इन प्रोडक्ट्स के साथ साथ जिस अनोखे प्रोडक्ट की बिक्री में तेजी आई है वो है हैजमेट सूट। वही सूट जिसे पहले आपने उन तमाम मेडिकल कर्मियों को पहने देखा होगा जो कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की देखभाल में लगे हैं। हाल ही में सुपर मॉडल नाओमी कैंपबेल को एयरपोर्ट पर इसी तरह की सूट में देखा गया था। इस सूट की ऑनलाइन बिक्री में 5 गुना तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सूट केवल उन लोगों को पहनना चाहिए जो कोरोना के मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। ये सूट उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए जो लोग हेल्थ के पर्सनल हैं, जो डायरेक्टली कोरोना वायरस पॉजिटिव लोगों के साथ डील कर रहे हों ताकि कोई भी एयर से कंटामिनेट उन वायरसेस का ना हो पाए, पहली चीज। दूसरा, वो लोग जो लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं या कोरोना वायरस पे शोध कर रहे हैं वैक्सीनेशन का या उसके बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं, यही दो लोग हैं और जो क्राइटेरियाज हैं और कैटेगरीज हैं जिनको ये सूट की आवश्यकता पड़ती है, ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। फिलहाल तो इस महामारी के बीच उन प्रोडक्ट्स की जोरदार डिमांड है जिससे कंपनियों को मुनाफा भी मिलने की उम्मीद है। लेकिन एक बार इन चीजों की जरूरत खत्म होने के बाद क्या लोग फिर से हाइजीन को लेकर सतर्क रहेंगे और क्या ये कारोबार ऐसे ही दौड़ते रहेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा।